चॉकलेट जो है वो सभी को बहुत पसंद होती है, बच्चों की तो फेवरेट होती है, लेकिन हम लोग अवॉइड करते हैं चॉकलेट खाना और बच्चों को खिलाना, क्योंकि मार्केट वाली जो चॉकलेट है दैट इज नॉट सो हेल्दी। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं गार्गी आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ होममेड चॉकलेट की रेसिपी, जो बाजार वाली चॉकलेट से तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है और साथ में हमने घर में बनाई है इसीलिए बहुत ज्यादा हेल्दी भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी रेसिपी की। फ्रेंड्स, होममेड चॉकलेट बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 1 कप कोको पाउडर, 1 कप है मेरे पास पाउडर शुगर, चीनी को पीस के पाउडर बनाया है, 1/2 कप मेरे पास ये मिल्क पाउडर है, और ये है मेरे पास 1 कप कोकोनट ऑयल। ये एडिबल कोकोनट ऑयल है खाने वाला, मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। इनफैक्ट ये सभी इंग्रेडिएंट्स बहुत आसानी से आपको किसी भी ग्रोसरी पे या सुपर मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं चॉकलेट बनाने की। ये मैंने एक बोल में पानी बॉईल करने रखा था जो अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। अब इसके ऊपर मैं रखूंगी कोकोनट ऑयल वाला अपना बोल। बोल हमें इस तरह रखना है कि पानी को डायरेक्ट टच ना हो, बस स्टीम मिलती रहे। सो अब हम इसमें डालते हैं सबसे पहले शुगर पाउडर और मिक्स करते जाएंगे, और सेकेंडली मैं इसमें डालूंगी ये अपना कोको पाउडर। चीज़ों को हम साथ के साथ मिक्स भी करते जाएंगे, और अब इसमें हम डाल देते हैं ये मिल्क पाउडर। ये चॉकलेट बनाना एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा आसान है, कुछ नहीं है, बस 3-4 चीज़ें हैं उनको मिक्स करना है और बस चॉकलेट हमारा मिक्सचर रेडी हो जाएगा, फिर चॉकलेट बनाने के लिए रख देनी है। बस इसकी मिक्सिंग में थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा स्मूथ सा इसका बैटर हमको बनाना है, बिकॉज इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, लम्स रहेंगे तो चॉकलेट खाने में ना अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए अब मैं इसको विस्कर से भी थोड़ा विस्क कर ले रही हूँ, जिससे एकदम लम्स फ्री हमारा ये जो मिक्सचर है चॉकलेट का वो बने। सो लुक एट दिस, आवर चॉकलेट मिक्सचर इज रेडी, नाउ लेट्स मेक द चॉकलेट विद दिस। सो चॉकलेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये मोल्ड लिया है, इस तरह के मोल्ड आपको सुपरमार्केट्स में मिल जाएंगे या फिर ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, अलग अलग शेप्स के और साइज के आते हैं ये मोल्ड्स। सो अब मैं इसमें 1 by 1 जो ये चॉकलेट का मिक्सचर है वो पोर करती जाऊँगी। ये एक्चुअली फ्लावर डिज़ाइन का है, तो जो चॉकलेट बनेगी ना वो फ्लावर डिज़ाइन वाली बनेगी। बहुत सारे डिज़ाइंस के आते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये मोल्ड नहीं है और आप लेना भी नहीं चाहते, सो डोंट वरी, अभी मैं आगे आपको बताती हूँ कि बिना मोल्ड के भी हम ये चॉकलेट घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? आप कोई भी प्लेट वगैरह ले सकते हैं या कोई जो बोल ले सकते हैं किसी भी टाइप का, उसमें भी आप इसको रख सकते हैं बनाने के लिए। तो ये देखिए, मैंने जो चॉकलेट है सारा पोर कर दिया है इसमें। अब इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। तो चलिए इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो एक मोल्ड तो मैं फ्रिज में रख चुकी हूँ, अब हम एक और मोल्ड रेडी कर रहे हैं जिसमें मैं नट्स ऐड करूँगी, क्योंकि नट्स वाली चॉकलेट भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो सबसे पहले इसमें हम चॉकलेट पोर करेंगे थोड़ी सी और नट्स रख देंगे, उसके बाद ऊपर से उसको कवर कर देंगे चॉकलेट से। तो यही प्रोसेस मैं सभी में अप्लाई करने वाली हूँ। ये देखिए, सबसे पहले हम चॉकलेट डाल देंगे, तो सारी जो भी इसमें मोल्ड्स हैं उसमें हम पहले चॉकलेट डाल दे रहे हैं, और उस चॉकलेट के बाद हम ऐड कर देंगे जो नट्स हैं उनको, नट्स के ऊपर अगेन एक लेयर चॉकलेट की। नट्स वाले जो होते हैं चॉकलेट, उसमें अंदर से क्रंची फ्लेवर आता है, वो मुझे तो बहुत ही पसंद है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप विदाउट नट्स के, जैसे हमने पहले बनाया है बिना नट्स वाला, उस तरह भी बना सकते हैं। ये देखिए, ऊपर से एक बार फिर से कवर कर देंगे चॉकलेट से। बहुत ही बढ़िया होममेड चॉकलेट हमारी बनती है ये। तो ये जो मोल्ड है मैंने उसको भी फ्रिज में रख दिया है सेट होने के लिए। अब देखिए, मैंने ये एक बोल लिया है ओवल सा, तो आप ऐसे कोई भी बोल ले सकते हैं, कोई प्लेट वगैरह ले सकते हैं अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो। और मैं ये सारा जो चॉकलेट का मिक्सचर है वो इसमें पोर कर दे रही हूँ।
तो इसी तरह आप किसी भी प्लेट वगैरह में बना सकते हैं चॉकलेट। सो ये देखिए, अब ये जो मिक्सचर मैंने इसमें पोर किया है, इसको भी हम 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। तो चलिए मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये देखिए 1.5 घंटा जितना हो चुका है और मैं ये चॉकलेट को डिमोल्ड कर रही हूँ। कितनी आसानी से ये डिमोल्ड हो रही है। एंड लुक एट दिस, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, इजंट इट। तो हमारे नट्स वाले चॉकलेट थे वो भी रेडी हैं, उनको भी डिमोल्ड कर लेते हैं। बाकी की चॉकलेट को भी हम इसी तरह डिमोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, जो मैंने बोल में चॉकलेट रखा था वो भी मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है और ये भी अच्छी तरह सेट हो गया है। 1-2 मिनट पहले फ्रिज में से निकाल के रख देना है और नाइफ से हम इसको साइड से रिलीज करेंगे, बहुत इजीली ये रिलीज हो जाएगा। और देखिए कितना सुंदर बार बन के चॉकलेट का हमारा रेडी हुआ है। आप किसी प्लेट में भी इसी तरह बना सकते हैं। तो देखा आपने कितनी जल्दी हमने ढेर सारी चॉकलेट्स बना ली हैं और साथ में ये चॉकलेट बार भी हमारा रेडी है। ये चॉकलेट मार्केट वाली चॉकलेट से बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और सच मानिए आप अगर इन्हें बनाएंगे ना तो घर में सभी को बहुत पसंद आएंगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक दें, रेसिपी को सभी के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।